कार्यक्रम के आयोजन में उनकी बड़ी भूमिका रही है, जो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले आए, जैसे डॉक्टर ठाकुर इश्तियाक, श्री राजेश पाठक जी, डॉक्टर कोठारी जी, संजय भट्टाचार्य, मुजीब देशराज सर, स्टूडेंट्स देवियों से जुड़ा हुआ रोड अकेडमी डिफेंस स्टार्टअप सिंह डेवलपिंग कॉमी और जम्मू एंड कश्मीर के इस कॉन्फ्रेंस में आज ये रहे सभी विद्वानों का, देशभर से आए हुए सभी विशेषज्ञों का और सभी महानुभावों का मैं जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूँ। अभिनंदन इसके बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल सिमेंटेनियस कारोना दरअसल वर्तमान में दुनिया में हो रहे परिवर्तन एक खबर प्रदान करता है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुझे लगता है कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हायर एजुकेशन कैंपस में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि आयोजन स्टूडेंट्स, भावी इन्वेस्टर्स तथा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक भरोसे जैसा है, जहां से आपको कुछ नए इंसाइट्स आइडियाज दिखाई पड़ सकते हैं और एकेडमिया इंडस्ट्री तथा पॉलिसी मेकर्स की साझेदारी से स्टार्टअप कल्चर विकास और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बेहतर भविष्य के लिए बढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कहीं भी बोलना पड़ा, मुझे जो बताया गया था कि घर पर रहना और मुझे कार्यक्रम में जाना, इसलिए मैं मंच पर विराजमान या सभागार उपस्थित लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लगता है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में हमारे एकेडमिया के लोग काफी सहायता कर रहे हैं। अभी अनेक एक्सपर्ट्स आपके सामने भी जा रखे हैं, कुछ ने अभी मेरे पूर्व अपनी बात कही। शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित के माध्यम से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका अभी आगे और विचार आपने भी उनके आइडियाज और विस्तार को लेकर उनके इंसाइट कैंपस के भीतर इनोवेशन का रचनात्मक आंदोलन करने तथा सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से एजुकेशन को कैसे मोड किया जाए, ये उपयोगी होगा। साथ में बात शुरू करूं उससे पहले थोड़ा इतिहास की ओर मैं आपको ले जाना चाहता। अगर अभी हाल ही में दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने काफी रिसर्च के बाद जो लिखा है या बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 11वीं शताब्दी में दुनिया की इकॉनमी में जो भारत का कंट्रीब्यूशन था वो मोटे तौर पर 33% था और 15वीं शताब्दी आते आते वो हर गति 25% हो। और एक समय था 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड इकॉनमी में हमारा हिस्सा लगभग 1% था और 15वीं शताब्दी आते आते वर्ल्ड इकॉनमी में हमारा हिस्सा 1/4 था। 15वीं शताब्दी के बाद का जो कालखंड है वो आक्रांताओं और आक्रमण का कालखंड है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे आर्थिक गोलियों में संघर्ष करके लंबे कालखंड की गुलामी से देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। 1950 में जब सम्मान किया गया तब समय भारत का योगदान वर्ल्ड इकॉनमी में महज 4% हो गया, 4%। ये विचारणीय बिंदु है कि आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्यों थी,
दुनिया की वर्ल्ड इकॉनमी में 1/3 या 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर बड़ा स्पष्ट है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस समय दुनिया के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां इनोवेशन होते थे, इन्वेंशन होते थे, वो हमारे देश मैं उन कालों में ले जाना चाहता हूं, समय भी नहीं मैं। और फिर भारत ने राह अपनी बदली है, पकड़ी है, और अभी 2023 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सर्वेक्षण के बाद ये बात आई है कि आज वर्ल्ड इकॉनमी में हमारा कंट्रीब्यूशन 15% हो गया है। वो यात्रा हमारी थी, हमारा मतलब लक्ष्य नहीं है, हमें उस पुराने गौरव को हासिल करना है, और वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन भी उसका एक रास्ता देती है। यद्यपि में बहुत सारी बातें कही गई हैं, उस पर डिबेट नहीं, उन्हों पर जिम्मेदारी है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप इसको जमीन को उतारने में सफल हुए तो निश्चित रूप से